ਦਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਫਤ ਸਈ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁਛ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ तो यहाँ पर मैंने देखा है कि हर तरफ तबाही के मनाजर नज़र आ रहे हैं। जो करीबी घर थे वो उनकी दीवारें टूट चुकी हैं, उनके शीशे टूट चुके हैं, गाड़ियाँ बुरी तरह जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं जो यहाँ पर लोग रहाइश पजीर थे। इसके अलावा एक रक्षा भी सामने नज़र आ रहा है जो भी मुकम्मल तौर पर तबाह है, जबकि यहाँ पर गैस लीकेज की भी इत्तला मौजूद है। इसके अलावा जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर बड़ा खौफ हरास पाया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें, पुलिस एहलकार, हाँ जी, तहकीकाती टीमें अपना काम जारी रखे हुए हैं और तहकीकात कर रही हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल जो है वो भी अब मौका पर पहुंच चुके हैं और तहकीकात के जो शवाहिद हैं, जो रेस्क्यू टीमें और बाकी पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, वो यहाँ पर वो उसका जायज़ा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल बजाते खुद और दीगर जो इलाके के SHO, SP और दीगर पुलिस हुकाम, हाँ जी, इस हवाले से भी कानून नाफिज करने वाले इदारों का और अभी हमारी DC लाहौर मुदस्सिर रियाज से भी बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। जैसे ही तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी, सारे शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे उस ओके मैं सही करता हूँ, हैंड फ्री लगाई। इस शोरूम की गाड़ियाँ कितनी आपकी डैमेज हुई है? नहीं हमने। अच्छा, तो ये कितनी शदीद धमाके की नौइयत थी? अच्छा, तो कितने बजे का वाक़ अंदाज़ है? अच्छा, ये वाक़ कितने बजे का क्या हुआ, कितनी कैजुअलिटीज आपने देखी? कम से कम मेरा अंदाज़ा होने का कहता हुआ हॉस्पिटल बच्चे को दिनों को लेके चला गया। अच्छा, तो ये धमाका किस नौइयत का था? पता नहीं जी, ऐसे दिन में बम फट गया, बम का होया। कितने जख्मी आपने उठाए हैं? मैं तो ले गया हूँ दो बच्चे अपने, तीन। अच्छा, कितनी कितनी उम्र थी? एक 5 साल का, एक 1.5 साल का, एक 10-12 साल। तीनों जख्मी हुए हैं? हाँ जी। उन्होंने कैसी चोटें लगी है उनको? क्या मेरे भाई की तो हो गई, अभी बड़ा मेरे छोटा है उसकी तो हालात ही नहीं है। छोटा बच्चा जो 5 साल का, 5 साल का, उसकी भी कोई हालात डेथ हुई है किसी? नहीं, अभी तो नहीं हुई किसी की। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम मुस्तफा है। ये जो गड़ा मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, तकरीबन 3 से 4 फुट गहरा है और तकरीबन 10 फुट चौड़ा गड़ा है। एक रिक्शा मेरे सामने मौजूद है जो मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि वो भी इस धमाके की वजह से मुतासिर हुआ है और ये दीवारें बैरूनी जो हैं घरों की वो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। अहले इलाका में इस वक्त शदीद खौफ और रास पाया जा रहा है। जी, यहाँ पे है क्या? ये यार मेरी बात सुनो, आप लोग कितने बिछड़े में, कितने मिलते गा रहे हैं हम लोग, जाओ जाओ। हेलो, आपको पता ही है। जाओ यार, कड़ी जबान से मिल जाओ, जाओ खत्म करो मुझे यार, दूसरा धमाका हो सकता है बार बार। जो धमाका है वो किस नौत पर था? सर, मैं DIG का शॉर्ट कर रहा हूँ। जी, DIG साहब का शॉर्ट कर रहा हूँ। ये बता दें, सारी सिविल सेक्रेटरी थी,
टेररिस्ट एक्टिविटी थी ये कंफर्म कर रहे हैं। सर यहाँ पे एक मजहबी जो शख्सियत है उनकी भी रिहाइश गाह है, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में कि क्या उनको टारगेट किया गया था इस धमाके में? हारून जो शायद के मुताबिक बाइक यहाँ पे प्लांटेड थी और सिक्योरिटी के मौजूद गाड़ी थी उनको वो इन्फॉर्म कर चुके, गलत बात है, उसके बावजूद उस बाइक को चेक नहीं किया। हारून के मुताबिक बाइक ब्लास्ट हुआ है, इसको हम चेक करके। सर वो शख्सियत, अब मजहबी शख्सियत के बारे में बता दें कि उनको टारगेट था ये? अच्छा ये बताएं कि अभी तक कंफर्म कितनी कैजुअलिटीज़ हैं, ज़ख्मी कितने हैं या कोई डेथ भी कोई रिपोर्ट हुई है? अभी हुआ है, इसके बारे में अगर मैं कोई नंबर आपको बता दूँगा वो गलत होगा, टाइम होना चाहिए। इनके छोटे कैजुअलिटी की कोई तलाश है? सर हम लेकिन अगर हमारे पास जो इंजर्ड वहाँ चार मौजूद हैं जिन अस्पताल हमने शिफ्ट किए हैं उनको देखा जा रहा है, एमएस को मैंने खुद डायरेक्टली मैंने कॉल करके बता दी है, उनके मुकम्मल देखभाल की जा रही है। बाकी क्योंकि इन्वेस्टिगेट अभी टू अर्ली टू से एनीथिंग, इस तरह डीए साहब ने बताया, अभी जैसी मजीद मालूम होंगी हम आपसे शेयर करेंगे। सिर्फ ये बता दें क्योंकि जैसे ही धमाका होता है तो साथ ही जो है वो एक्सक्लूसिव और बाकी चीज़ें जब फोरेंसिक टीमें आती हैं तो उससे पता लग जाता है कि ये धमाका जो है एक्सक्लूसिव से हुआ है या फिर सुई गैस से हुआ है। तो आप देखिए इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, मौके पर गड़ा मौजूद है लेकिन ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ही बताएंगे ये, ठीक है। सीटीडी मौजूद है, हमारी तमाम एजेंसी यहाँ मौजूद है, जब तक वो कोई इसका तयन न कर ले मुकम्मल तौर पे हम आपसे चीज़ शेयर नहीं कर सकते। अच्छा सर, आपके मुताबिक जो है कि छः बंदे माइनर इंजर्ड हैं और चार बंदों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, तो जो हॉस्पिटल वाले भी हैं वो भी स्टेबल हैं, तो जो बाजू टांगे मिली हैं वो किसकी हैं? नहीं, बाजू टांगे अगर आपने देखी हैं तो मुझे दिखा दें। शाहिदीन कह रहे हैं अगर हम टाइम पे चले जाते तो हमारे तक मालूम नहीं है, आधा घंटा हुआ है अभी तक हमारे पास कोई ऐसी मालूम नहीं है कि बाजू टांगे मिली हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होगी आपसे शेयर करेंगे। सर पहले से थ्रेट्स मौजूद थी कि इस तरह का अलर्ट आया था कि ये हो सकता है मुमकिन तौर पर, क्योंकि यहाँ पे एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी पर देखिए जनरल थ्रेट्स तो चलती रहती है, स्पेसिफिक थ्रेट इस तरह की जो है वो इस तरह की मौजूद नहीं थी, लेकिन जनरल थ्रेट्स ऑब्वियसली रहती हैं, उस पर हम इंटेलिजेंस कमेटीज की मीटिंग भी करते रहते हैं। सो लेकिन अभी अगेन मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन के बाद हम डिटेल्स इसके बारे में आपसे शेयर करेंगे। अभी डी सी साहब ने भी आपसे बात की, चार जो हैं जख्मी उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, कुछ लोग माइनर जख्मी हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई इसमें कैजुअलिटी नहीं हुई, डेथ नहीं हुई किसी की। धमाका था वो किस चीज़ का था वो जब टीमें आएंगी फॉरेंसिक टीमें वो पहुंच रही हैं वो उसके बाद वो डिबरी को देखेंगी और उसमें उसके बाद हमें वो आगाह करेंगी कि किस किस्म का धमाका था, तब आपको चलें। थैंक यू वेरी मच सर। धमाका था या किसी डिवाइस में इसको प्लांट किया गया था, इन्होंने ये भी इस बात की तस्दीक की है कि चार जो ज़ख्मी हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू करके मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है और रेस्क्यू के ऑपरेशन जो है उसको शुरू कर दिया गया है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेस्क्यू के अहलकार और दीगर इमदादी टीमें वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। तो अब से कुछ देर बाद डी सी लाहौर और डी आई जी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल मीडिया से गुफ्तगू भी करने लगे हैं। जी।